चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन 30th June कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर सो, यानी कि इस बार हमारे पास स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी कैश बुक ही है और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये मत समझ लें कि बैंक कॉलम में दिखाया हुआ है, मतलब बैंक का बैलेंस दिखाया हुआ है, ये कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट हो जाता है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या फिर नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 2500 के साथ। देखिए यही हमने लिखा है कि क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जो कि दोनों का मतलब सेम ही होता है, एज़ पर कैश बुक, कैश बुक हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, कितना है 2500, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया, वो मैंने पहले बताया आपको कि कैश बुक से अगर चले हैं तो पासबुक पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद है आपका, हाँ जी, इसके बाद पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में अ चेक अमाउंटिंग टू 14,600 हैड बीन पेड टू द बैंक, बट ऑफ दिस ओनली 12,200 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक। सबसे पहले तो आपको ये समझना, पेड टू बैंक या फिर पेड इन टू बैंक का मतलब कलेक्शन होता है, डिपॉजिट के पर्पज से होता है। तो जैसे ही 14,600 को कस्टमर ने प्लस के लिए भेजा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका कैशबुक, ये पासबुक, और कस्टमर ने कितना 14,600 का चेक, 14,600 का जो चेक है वो भेजा है बैंक में प्लस के लिए फिर क्रेडिट के लिए, लेकिन बैंक ने 12,200, बैंक ने सिर्फ अभी तक जो है 12,200 को प्लस किया है, ये वाला अमाउंट। तो इनका जो डिफरेंस हमने कितना ज़्यादा प्लस कर दिया है, हमने कर दिया है 2400 का ज़्यादा प्लस कर दिया है, हाँ जी। अगर हम यहाँ पर 2400 के अमाउंट को माइनस कर लेते हैं तो देखते क्या मैच कर जाएगा, 00, 6, 2, 2 और 1, 12,200, और ये भी हमारा 12,200, तो मैच कर जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का आंसर ये कि हमें 2400 को माइनस वाले कॉलम में डाल देना है, और यही रीज़न है कि हमने इसको माइनस वाले कॉलम में लिखा है। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी हो गई, ठीक है। इसके बाद है, ही हैड ऑल्सो इश्यूड चेक अमाउंटिंग टू 10,000 आउट ऑफ विच ओनली 3,600 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि उन्होंने इश्यू किया चेक को, यानी पेमेंट के रिगार्डिंग, तो कैशबुक में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10,000, कैशबुक में से हमने 10,000 माइनस कर दिया। तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, कैशबुक में से हमने 10,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि 10,000 का हमने चेक इश्यू किया है और बैंक ने, बैंक के पास अभी सिर्फ 3600 का चेक पहुँचा है, बैंक के सामने भी 3600 का चेक प्रेजेंट हुआ, तो उसने माइनस किया 3600, हमने किया 10,000, तो हमने कितना और ज़्यादा कर दिया एक तरीके से। अगर हम प्लस कर लेते हैं कितना, अगर हम यहाँ पर 6400 को प्लस कर लेते हैं, तो अब चेक करके देखो कि क्या आपका आंसर मैच करता है। यहाँ पर तो है ही 3600, और यहाँ पर 00, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 3, ये भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 10,000 में से जैसे ही आपने 3600 को माइनस किया तो आपका 6400 का बैलेंस आता है। तो इस ट्रांजैक्शन का आंसर होगा 6400 को आपने प्लस वाले कॉलम में डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। अ चेक ऑफ ₹500 विच हैड बीन डेबिट टू द बैंक अकाउंट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बाई मिस्टेक। यानी कि एक चेक है जो कि 500 का डेबिट कर दिया है, डेबिट टू द बैंक का मतलब है हमने बैंक अकाउंट से माइनस कर दिया है, ये आपका CB, ये आपका PB, बैंक अकाउंट से 500 का चेक या फिर अमाउंट जो माइनस हो चुका है, कहाँ पर है, ये वॉज नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाई मिस्टेक, और जबकि वो अमाउंट या फिर वो चेक कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं गया है। तो अगर आप यहाँ पर कैशबुक में से भी 500 को माइनस कर लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा,
भाई बैंक को हमें फॉलो करना है, बैंक ने भले ही गलती की है, दिख रहा है उसने बाई मिस्टेक किया है, ठीक है, लेकिन हमें तो मैचिंग करना है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना। तो हम भी अगर 500 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर मैच कर जाता है। इसके बाद थर्ड वाली ट्रांजैक्शन आपकी डन है। फोर्थ वाली पे आते हैं, देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10 फॉर द बैंक चार्जेस एंड ₹50 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने डेबिट किया है पासबुक में, यानी कि माइनस किया है कितना, ₹10, तो हम भी फॉलो करेंगे, हमने भी ₹10 को माइनस कर देना है, जैसा कि माइनस वाले कॉलम में लिखा है, और एंड बैंक चार्जेस ₹50 इंटरेस्ट। अब देखिए ये डेबिट दोनों के साथ जुड़ गया, डेबिट क्या है ₹10 को भी डेबिट किया है, माइनस किया है, और ₹50 को भी इंटरेस्ट की फॉर्म में माइनस किया है, तो हम भी कैश बुक में माइनस कर देंगे आपका ₹50 और ₹10। इसके बाद है फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक अमाउंट 1000 बट इट वाज नॉट शोन इन द कैश बुक। कितना आसान है कि बैंक में जो है कस्टमर ने डायरेक्टली 1000 का चेक डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा, कैश बुक हमारा नीचे रह गया, तो हम कैश बुक में भी प्लस कर लेंगे। यही रीज़न है कि हमने भी 1000 को यहाँ पर प्लस कर लिया है। इसके बाद लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है, बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। अब देखिए कई बार क्या होता है, कस्टमर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है, जिसको बोलते हैं SI, यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसके बेसिस पे कस्टमर जैसे ही ड्यू जिसके बेसिस पर बैंक जैसे ही ड्यू डेट आती है उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, तो ड्यू डेट आने पे अपने आप ही बैंक वहाँ से पेमेंट कर देते हैं। और कई बार कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, भूल जाते हैं, तो वो हमारा मिसमैच होता है, तो हमने भी बेसिकली इस कैटेगरी में बैंक को ही फॉलो करना होता है। तो बैंक ने अगर 400 को माइनस किया है तो हम भी 400 को माइनस कर लेंगे, सो दैट हमारा बैलेंस मैच कर जाए पासबुक के साथ। सभी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, अब ये है आपका बैलेंस CD जो बचता है। हमने प्लस वाले कॉलम का टोटल किया और माइनस वाले कॉलम का टोटल किया, तो पता चला प्लस वाले कॉलम का ज़्यादा अमाउंट है 7400, और जब इन सभी का हमने किया टोटल तो डिफरेंस आता है, मतलब इस टोटल को हमने प्लस वाले में से माइनस किया तो आता है 1540 का डिफरेंस आता है, और ये कहाँ पर आ रहा है, माइनस वाली तरफ आ रहा है। अब देखिए कैश बुक का अगर ये डेबिट बैलेंस था और ये क्रेडिट बैलेंस था, और क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट का केस था तो स्टार्टिंग हमने नेगेटिव वाले बैलेंस से की थी, ये भी हमें याद है, ठीक है। अब ये बैलेंस बच रहा है क्रेडिट की तरफ, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये भी आपका डन हो गया क्वेश्चन। किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, हम उसका रिप्लाई करेंगे।